हेलो गाइस, वैसे तो 20,000 रुपये के अंदर हमें मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स देखने को मिलते हैं दोस्तों, जिसके अंदर हमें बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की स्पेसिफिकेशन तो देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों उसी के साथ में आपको बेटर कैमरा, बेटर बैटरी बैकअप और साथ में आपको बड़ी डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन्स हैं ये बहुत ही कमाल के स्मार्टफोन्स हैं और इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की गेमिंग परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। दोस्तों, वो कौन से स्मार्टफोन से ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और दोस्तों, हमने जो लिस्ट बनाई है बहुत ही सोच समझकर बनाई गई लिस्ट है, तो दोस्तों उम्मीद है जो वीडियो आपको पसंद आएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अभी का भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने के कोई चार्ज तो है नहीं। और साथ ही दोस्तों, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, इस लिस्ट को हम शुरू करने वाले हैं नंबर 5 से। तो दोस्तों, नंबर 5 पर स्मार्टफोन है रेडमी की तरफ से, रेडमी नोट 8 प्रो। और दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है, इसकी जो डिज़ाइन बनाई गई दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस फोन के स्पेसिफिकेशन की, तो इसके अंदर में 6.53 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों, काफ़ी कमाल का रिजोल्यूशन है। दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है ये हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छी स्क्रीन है दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर। और अगर हम बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के कैमरा की, तो इसके अंदर हमें 64+8+2+2 मेगापिक्सल के बैक में और 20 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी सेंसर दिया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों इमेज क्वालिटी की, तो बहुत ही कमाल की इमेज आती है दोस्तों इसके कैमरा से। और अगर हम बात करें दोस्तों प्रोसेसर की, तो इसके अंदर हमें MediaTek Helio का G90T का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये भी कमाल का परफॉर्मर है, आपको डेली टास्क में किसी भी तरह कोई लैग देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ ही दोस्तों, आपका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी कमाल का होने वाला है इसके अंदर। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो इसके अंदर में 4500 mAh की बड़ी बैटरी भी दी गई दोस्तों, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और इसका जो बैकअप है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और अगर हम बात करें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की दोस्तों, तो इसके अंदर हमें थोड़े से हीटिंग के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। और साथ ही दोस्तों, ये जो कैमरा है ये लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसके अंदर में 6GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। और इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो है 15,999 रुपये। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। तो अगला फोन है दोस्तों इस लिस्ट में, वो है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी M31S। और दोस्तों, ये भी जो स्मार्टफोन है इसका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, बहुत ही गुड लुकिंग डिवाइस बनाया गया है दोस्तों। और अगर हम बात करें स्मार्टफोन की दोस्तों, तो इसके अंदर हमें 6.5 इंच की इन्फिनिटी OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों, काफ़ी कमाल की डिस्प्ले है दोस्तों। ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे कलर्स और कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छा व्यूविंग एंगल भी देखने को मिलता है। और साथ ही दोस्तों, ये जो डिस्प्ले है आपकी बैटरी एफिशिएंट यानी आपकी जो बैटरी है उसकी खपत को भी कम कर देता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। इसके बैक में हमें 64+12+5+5 मेगापिक्सल का बैक में 32 मेगापिक्सल का इसके अंदर हमें सेल्फी सेंसर भी दिया गया है। और इसकी जो इमेज क्वालिटी दोस्तों बहुत ही कमाल की, आपको काफ़ी अच्छी इमेज क्वालिटी इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, ये जो कैमरा है ये लो लाइट में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की दोस्तों, तो इसके अंदर हमें सैमसंग एक्सिनोस का 9611 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि आपके डेली टास्क को दोस्तों बहुत ही इजीली हैंडल कर सकता है। और दोस्तों, आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों फिर भी ये नॉर्मल गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। और दोस्तों, अगर आप सैमसंग का ही स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो इसके अंदर हमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई दोस्तों, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है दोस्तों। और साथ ही इसके बॉक्स के अंदर हमें 25W का चार्जर भी देखने को मिलता है। और दोस्तों, ये जो फ़ोन है ये रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस फोन के प्राइसिंग की, तो इसके अंदर हमें 6GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। और इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो है 19,499 रुपये। दोस्तों, अगर आप सैमसंग का ही फ़ोन खरीदना चाहते थे इस प्राइस पॉइंट पर, तो दोस्तों आप इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते अगले फ़ोन की तरफ। तो अगला फ़ोन है दोस्तों इस लिस्ट में रियलमी की तरफ से, रियलमी 7 प्रो। और दोस्तों, अगर ये जो स्मार्टफोन है ये भी बहुत ही कमाल का है दोस्तों, इसके अंदर हमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, तो काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रास्ट और कलर्स देखने को मिलेंगे दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन के अंदर। और अगर आप दोस्तों इसके अंदर गेमिंग करेंगे, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। तो इसके बैक में हमें 64+8+2+2 मेगापिक्सल के बैक में और 32 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी सेंसर देखने को मिलता है। और इसकी जो इमेज क्वालिटी दोस्तों, ए लाइट में आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की फोटोज़ देखने को मिलेगी इन स्मार्टफोन से। और दोस्तों, बात करें लो लाइट की दोस्तों, तो लो लाइट में आपको काफ़ी अच्छी इमेजेस देखने को मिल जाएंगी।
चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। दोस्तों तो इसके अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 720G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि काफी कमाल का परफॉर्मेंस देता है दोस्तों आपको, और आपकी जो गेमिंग लेवल है दोस्तों वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। और साथ ही दोस्तों आपको इसके अंदर बहुत ही अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा विद AMOLED डिस्प्ले के साथ में। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो इसके अंदर हमें 4500 mAh इसकी बड़ी बैटरी भी दी गई दोस्तों, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और साथ ही दोस्तों इसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो दोस्तों इसके अंदर हमें 8GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, और इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो है 19,999 रुपये। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते अगले फ़ोन की तरफ। अगले जो दो फोन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल के, बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आपको स्मार्टफोन के अंदर। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं अगले फ़ोन की। दोस्तों इस लिस्ट में जो अगला फ़ोन है वो है मोटोरोला की तरफ से, मोटोरोला वन फ्यूजन प्लस। और दोस्तों इस ये भी बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है, आपको डेली टास्क और गेमिंग के लिए आपको किसी भी तरह कोई इश्यूज देखने को नहीं मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर हमें 6.5 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ये हमें LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके अंदर हमें HDR10 का भी सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें इसके कैमरा की, तो इसके बैक में हमें 64+8+5+2 मेगापिक्सल के हमें बैक में 4 कैमरे दिए गए हैं, और सेल्फी के लिए इसके अंदर हमें 16 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया है। और इसकी जो इमेज क्वालिटी दोस्तों लो लाइट और डे लाइट में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और दोस्तों अगर हम बात करें वीडियो क्वालिटी की, तो वीडियो क्वालिटी में दोस्तों लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसके अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलता है दोस्तों, 20,000 रुपये के अंदर 730G का प्रोसेसर बहुत ही कमाल की बात है दोस्तों, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आपको। और साथ ही दोस्तों आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें बैटरी बैकअप की, तो दोस्तों इसके अंदर हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी भी दी गई दोस्तों, और इसका जो बैकअप है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और ये जो स्मार्टफोन है दोस्तों स्टॉक एंड्रॉइड पर काम करता है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसके अंदर हमें 6GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, उसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो है 17,499 रुपये। तो काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है दोस्तों, मोटोरोला की तरफ से बहुत ही कमाल की स्पेक्स देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अगले स्मार्टफोन की। तो अगला स्मार्टफोन है दोस्तों इस लिस्ट में पोको की तरफ से, पोको X2। और दोस्तों अगर हम बात करें स्मार्टफोन की, तो इसके अंदर में 6.67 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलती है दोस्तों, और इसके अंदर में 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और साथ ही दोस्तों जो डिस्प्ले है HDR10 के सपोर्ट के साथ में आती है, तो दोस्तों आपका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। इसके बैक में हमें 64+2+8+2 मेगापिक्सल के बैक में और 20+2 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी सेंसर दिया गया हुआ है, तो काफ़ी कमाल की पिक्स आती है दोस्तों। डे लाइट और लो लाइट में आपको बहुत ही अच्छी फोटोज़ देखने को मिलेंगी इस स्मार्टफोन से। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो दोस्तों इसके अंदर भी हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो काफ़ी कमाल का प्रोसेसर है दोस्तों, काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आपको दोस्तों, कोई भी हीटिंग और लैगिंग के इशूज़ देखने को नहीं मिलेंगे, और साथ ही दोस्तों काफ़ी अच्छी गेमिंग का भी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की। तो इसके अंदर हमें 4500 mAh की बड़ी बैटरी भी दी गई दोस्तों, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और दोस्तों इसका जो बैकअप है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा अगर आप इस स्मार्टफोन को खरीदते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो इसके अंदर हमें 6GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, और इसकी जो प्राइसिंग है दोस्तों वो है 17,499 रुपये। तो दोस्तों इस कीमत पर बहुत ही अच्छा और कमाल का स्मार्टफोन है पोको की तरफ से, और बहुत ही ज़्यादा कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी आपको इस स्मार्टफोन के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद है जो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने के कोई चार्ज नहीं है। और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।